ठीक है ठीक है, इधर रहने सही है। एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्लिप को आपने अच्छी तरह टाइट करना है, हमारी वाली गलती आप मत करना, जैसा अभी आप देख रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माइक्रो इरिगेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रप्रीफिंग। आज की वीडियो में बात करेंगे रेनगन के बारे में। इस वीडियो में 1 HP की मोटर के ऊपर रेनगन बिल्कुल नहीं चलाने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 2 HP मोटर के ऊपर 1.5 इंची की रेनगन को कैसे चलाया जाए, कौन सी पाइप का इस्तेमाल करना है, रेनगन कितनी दूर तक पानी मारेगी। इस सभी चीज़ों की जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको दूंगा। इसको इंस्टॉल कैसे करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। इससे पहले हमने 1 HP मोटर के ऊपर बहुत अनगिनत वीडियोस बना के आपको दी हैं, मोनोब्लॉक मोटर हो चाहे वो सबमर्सिबल मोटर हो, सभी मोटर के ऊपर ये सब वीडियो बनाई है हमने। बट आज की जो वीडियो है वो हमने 2 HP की मोटर सेलेक्ट की है। हमारा मकसद क्या है दोस्तों इस वीडियो को बनाने का, बहुत लोगों का ये सवाल आता था और बहुत लोग ये बात चाहते थे कि जो रेनगन है वो दूर तक पानी मारे। जो हमारी 1 HP की मोटर होती है, जहाँ 1 HP की 1 इंची की जो हम लोग रेनगन लगाते हैं छोटी वाली, वो 100-120 फीट तक पानी फेंकती है दोनों तरफ मिला के। अब ये जो दोस्तों हमने रेनगन सेलेक्ट की है 1.5 इंची वाली, ये दोनों तरफ मिला के 2 HP मोटर के ऊपर 150 फीट के आसपास पानी फेंकेगी। और समय ना लेता हुआ मैं इस वीडियो को जल्दी ही शुरू करता हूँ, आपको चला के दिखाता हूँ इस रेनगन को। इसमें हम लोग ये 2 HP की मोटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका इनलेट और आउटलेट 2 इंची का है, साथ में ये लपेटा पाइप है 2 इंची की, हाई क्वालिटी लपेटा पाइप है दोस्तों, HDPE ले फ्लैट ट्यूब है ये 2 इंची की। इसका इस्तेमाल करूंगा मैं इस रेनगन को चलाने के लिए। ये 1.5 इंची की रेनगन है। अब चलिए आइए दोस्तों आगे मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने व्यू जरूर बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, जहाँ कुछ हम लोग इसमें इंप्रूवमेंट करें तो आप जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों ये 2 HP की मोटर सिंगल फेस मोटर है। मोटर के ऊपर जब आपने पाइप लगानी है तो इस क्लंप को आपने जरूर टाइट करना है, ताकि जो यहाँ से ये पाइप लीक ना करे। यह है दोस्तों मोटर का इनलेट, यहीं पे हमने इस हॉव पाइप को लगाना है पानी उठाने के लिए। हॉव पाइप को भी लगाने के बाद इसके ऊपर भी आपने एक क्लंप फिट करना है। ये हॉव पाइप भी दोस्तों हमारी 2 इंची की है। हॉव पाइप का दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि इसको आप दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी तरफ आराम से घुमा सकते हैं। इसको फिट करने के बाद मोटर को अच्छी तरह एक प्लेटफार्म के ऊपर रखें। यह है दोस्तों हमारी रेनगन 1.5 इंची की। दोस्तों इस मोटर के ऊपर आप 1.25 इंची रेनगन भी लगा सकते हैं, आप 1.5 इंची की रेनगन भी लगा सकते हैं। रेनगन की जो नोजल यूज करनी है वो दोस्तों आप 10 mm या 12 mm कीजिए। अब दोस्तों ये हो गई हमारी मोटर। ये मोटर दोस्तों 2 HP की 1.5 kW की है, 5 50x50 mm है, RPM 2880 है। और सबसे मेन बात जो देखने वाली है दोस्तों वो है हेड बीफ मीटर डिस्चार्ज 4.4 LPF। अब दोस्तों ये हमारी रेनगन भी फिट हो चुकी है। अभी दोस्तों हम चला के दिखाते हैं कि इसका प्रेशर क्या आ रहा है। वाह क्या जबरदस्त प्रेशर है दोस्तों, ये पाइप हाथ में आने का नाम ही नहीं ले रही। अब पाइप को दोस्तों रेनगन के स्टैंड के नीचे इस हॉफ निप्पल पर टाइट कर देते हैं, यहाँ पर भी एक क्लंप करते हैं। अब सो दोस्तों यहाँ पे अपने 2 HP मोटर के साथ 2 इंची की लपेटा पाइप के साथ इस 1.5 इंची रेनगन को फिट कर लिया है। अब हम लोग इसको चालू करते हैं और चालू करने के बाद मैं दिखाता हूँ कि ये कितनी दूर तक पानी मारती है। हरप्रीत चालू कर दो, प्रेशर बहुत ज़्यादा है दोस्तों मोटर का, आप देख सकते हैं जैसे ही चलाते हैं एक बार तो वो स्टैंड को भी हिला देती है। सो दोस्तों ये इसमें 2 HP मोटर के साथ चल रही है। अब हम लोग एक तरफ इसमें जो फीता लगाते हैं मेजरमेंट टेप के साथ देखते हैं ये कितनी दूरी पे पानी जा रहा है। दोस्तों मेजरमेंट टेप से आपको नाप के बताते हैं कि इस 2 HP मोटर के ऊपर 1.5 इंची रेनगन का पानी कितना जा रहा है। चलिए आइए दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इस समय पानी जो है वो अंदाजा 74-75 फीट तक पानी आ रहा है दोस्तों। सो दोस्तों रेनगन गजब चल रही है। 2 HP मोटर के ऊपर रेनगन की जो एक साइड में पानी जा रहा है वो 74-75 फीट जा रहा है। मैं 70 फीट ही दोस्तों पकड़ के चलता हूँ, तभी दोनों तरफ मिला के ये 140 फीट तक पानी पहुँच जाएगा। तो इस रेनगन को किसी भी एंगल पर आप सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे दोस्तों एक बात आपको बताऊं, रेनगन के नीचे भीगने का मज़ा ही अलग है। अब हम लोग रेनगन की वीडियो बनाते हैं तो रेनगन के नीचे भीगने की आदत पड़ चुकी है और बड़ा मज़ा आता है। अब दोस्तों इसमें क्या है कि मैं इस समय मोटर से 200-250 फीट के आसपास ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं गया हूँ। अगर जो हमारे किसान भाइयों की ज़मीन ज़्यादा दूर है, 400-500 फीट दूर जाना है उन्होंने, तो उसमें क्या होगा कि जैसे यहीं यहाँ पर तो इस समय इसका डाया 140-150 फीट आ रहा है 2 HP मोटर के ऊपर,
जितना दूर जाते चले जाएंगे हम लोग उतना डाया कम होता चला जाएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये 2 इंच की लपेटा पाइप के साथ इस समय ये रेनगन चल रही है। अब इस रेनगन को किसी भी एंगल पर भी फिट किया जा सकता है, जैसा कि अभी मैं फिट कर देता हूँ इसको। इनको टाइट करना है दोस्तों बस, और इतने में ये सेट हो जाएगी। और अब ये फिर दोस्तों जितने डिग्री मैंने फेट कर रखा है उतना ही घूमेगी और वहीं से ये वापस टर्न ले लेगी, जैसा अभी आप देख रहे हैं। ये फिर 2 HP मोटर के ऊपर आप 1.25 इंची की रेनगन को भी चला सकते हैं, आप 1.5 इंची की रेनगन को भी चला सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये ऊपर वाला नट था मैंने टाइट नहीं किया, जल्दी जल्दी वीडियो बनाने में मैं उस तरफ आ गया तो ये रुकी नहीं, घूमती चली गई। अब ये दोबारा फिट करता हूँ। आप आइए ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ऐसे मेरे वाली गलती आप भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको हमारे ऊपर पानी ना आए तो इसको मैंने उस तरफ फिट करना है दोस्तों ऊपर, और ये पीछे से जो क्लिप है ना इनको अच्छी तरह टाइट करना है। मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने क्लिप को टाइट नहीं किया, दोनों को, एक को कर दिया और दूसरा थोड़ा ढीला रह गया। आप लीजिए इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ये इतना ही घूम के वापस चली जाएगी यहाँ से। तो ये क्लिप को आपने अच्छी तरह टाइट करना है, हमारे वाली गलती आप मत करना, जैसा भी आप देख रहे हैं। और ये यहाँ से टर्न हो गई। तो ये दोस्तों इस रेनगन की बहुत बड़ी खासियत है, किसी भी एंगल पे फिट कर सकते हैं, पानी की धार को तोड़ सकते हैं, फीदा फेंक सकते हैं। इस रेनगन का दोस्तों हमारे पास ये पूरा पैकेज है 2 HP मोटर के साथ और 2 इंची की लपेटा पाइप के साथ। इससे पहले भी हमने 1 HP मोटर के साथ भी पैकेज बना रखा है, उसका भी बड़ा फ़ायदा मिला है लोगों को। अगर 2 HP मोटर के साथ भी आप रेनगन को लेना चाहते होंगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा। और उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं, आपको किन किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होती है। तो ये वीडियो देखने के बाद सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।